राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कोटा महानगर के समीप कलकल बहती चंबल नदी के पावन तट पर स्थित है अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन। यहाँ तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा विराजमान है। जनश्रुति है कि प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के समय देवों ने जयकारों के साथ पुष्प एवं केसर की वृष्टि की थी। गुप्तकालीन 12 खम्भों की कलापूर्ण गुम्बज युक्त क्षेत्रपाल बाबा की छतरी के पास ही भूगर्भ में जाने का मार्ग है। इसके नीचे आवा शैली का तिलस्मी मोहरा है जिसे मुई देवरा भी कहते हैं। यहीं पर विराजित है मूल नायक श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की लगभग 2500 वर्ष प्राचीन मुंगिया पाषाण से निर्मित 4.5 फुट अवगाहना वाली पद्मासन प्रतिमा। शनि अमावस्या के दिन यहाँ पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति के साथ ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण सैकड़ों भक्त शनि ग्रह के निवारण हेतु भगवान से मनोतियाँ मांगते हैं। प्रतिवर्ष वैशाख सुदी नवमी एवं दसवीं को यहाँ वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तीर्थ पर साधुओं के आवास एवं आहार के साथ दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु 36 कमरों की धर्मशाला एवं भोजनशाला की समुचित व्यवस्था है। जैन संस्कृति के प्रतीक इस तीर्थ के विकास हेतु विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं में आप सभी सहभागी बन जीवन धन्य बनाए। एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स प्रबंध कार्यकारिणी समिति श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र केशोराय पाटन पंजाब नेशनल बैंक शाखा केशोराय पाटन खाता क्रमांक 4475001000132 IFSC कोड PUNB 044750 कैनरा बैंक शाखा केशोराय पाटन खाता क्रमांक 3558214000005 IFSC कोड CNRB 0003558 संपर्क सूत्र 9351996323। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं बं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमविष्यामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमर्हं बं बं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ॐ नमो अर्हं झं झ्रीं छ्रीं हं सं झं मं हायः सा छां छीं छूं छें छैं छों छों छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रूं ह्रूं हं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्री शोधर्मिन्द्र कलशकर्ता श्रीमान कैलाशचंदजी फूलचंदजी जैन समस्त खजांची परिवार सुशीर निर्वाले से परिवार से कुबेर इंद्र श्रीमान पारस जी सोगानी पद्मा जी सोगानी कपिल जी समस्त सोगानी परिवार कोटा निवासी से परिवार से ईशानेन्द्र श्रीमान धर्मचंद जी शाह कोटा निवासी से परिवार से महेंद्र श्रीमान राजकुमार जी सोगानी कोटा निवासी से परिवार से सानतेंद्र श्रीमान हेमंत जी पाटनी कोटा निवासी श्रीमान मनोज जी सोगानी निर्मल जी सोगानी कोटा निवासी से परिवार से प्रथम शांति धाराकर्ता श्रीमान पारस जी निर्मल कुमार जी राजकुमार जी मनोज जी अंकित जी मनोहर लाल जी कपिल जी मुकुल जी पतिक जी हर्षित जी सोगानी परिवार हेमंत जी धर्मचंद जी सुरेश चंद जी मुकेश जी पाटनी परिवार समस्त कोटा निवासी से परिवार से द्वितीय शांति धाराकर्ता श्रीमान अमित जी राणा अंशु जी अर्णव जी खुशी जी समस्त राणा परिवार कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान कैलाश चंद जी कमलेश कुमार जी समस्त परिवार पंच की पावनी से परिवार से श्रीमान धर्मचंद जी नवीन कुमार जी जैन समस्त झांजी परिवार पंचों की पावनी से परिवार से श्रीमती साधना जी शैलेश जी कोटा निवासी से परिवार से श्रीमान पंकज जी जैन अजमेर निवासी से परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी विकास कुमार जी अजमेरा पंच की वावनी राहुल जी विकास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में से परिवार से मासिक शांतिधारा पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंद जी राजकुमारी जी मनीष जी अंतिमा जी आशीष जी अविका जी अक्षय जी बाकलीवाल तालेड़ा वाले कोटा निवासी कैलाश चंद जी स्वास्थ्य लाभ व्यर्थम से परिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी लाड़ देवी जी ललित जी शारिका जी कमल जी रजनी जी नवीन जी स्वाति जी विनीत जी दीक्षा जी दीदिया जी विशुद्धि जी भाविक जी किंसु जी देशना जी अग्नि जी आर्या जी लोहाड़िया तलमंडी कोटा निवासी सह परिवार से श्रीमान पारस चंद जी दिनेश कुमार जी जम्बू कुमार जी मनोज कुमार जी आरजव जी अर्थव जी स्थिता जी अंतरणा वाले तालेड़ा निवासी
स्वास्थ्य लाभ्यर्थम से परिवार से उपस्थित सर्वजनानां से परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज केशव राय पाटन से परिवार से समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी तीर्थ क्षेत्र केशव राय पाटन से परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसी औषा अनाहत विद्याण मोरिहंताणं ह्रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसी औषा अनाहत विद्याण मोरिहंताणं ह्रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमसी औषा अनाहत विद्याण मोरिहंताणं ह्रों सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं मुनिसुब्रतनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री 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 मुनिसुब्रतनाजिनेन्द्राय नमो नमः। आयुर्वल्ली विलासम सकल शुक्लैर्द्रघत्त सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम मुनित्वा तनोच्चकीर्तम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथतु तरणिस्फुरदुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतम उत्तमम। शांति धारा शांति धारा शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये चम्रद्वयम् स्थापयामि। ओम ह्रीं से अभिषेकान्ते वृषभादि वीरान्ते भ्यो नमः। शांति धारा उपरांते भगवान के पंच कल्याण के भ्यो नमः। जलाधि अर्घम निर्वपामेते। ओम ह्रीं श्री मूलय के खज्जनाट श्री मुनिसुब्रतनाजिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामेते। आरिति मुनि सुब्रत स्वामी बीसवे तीर्थंकर नामी धन्य वैसाख बदी दसमी धन्य धन पद मामा जननी कोख से जन्मे अवतारी तेरे चरणों पर बलिहारी झुके नर नार मची जयकार बनो मुक्ति पथ अनुगामी। आज के आनंद की जय। राजकुमार जी सोगानी, पारस जी सोगानी, पप्पू जी सोगानी और पूरा बूंदी का सोगानी जो परिवार है उनको आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कोटा के भी काफ़ी लोग जो है धर्मचंद जी जैन और पाटनी परिवार की तरफ से सब लोग यहाँ पे आए हैं। सबको बहुत अच्छा लगा है और इसी तरह से भगवान के दर्शन होते रहे यही उम्मीद के साथ में हम पुनः दर्शन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। आज हम पूरा परिवार सोगानी परिवार केशव राय पाटन आए हैं और आज हमें मुनिसुब्रतनाथ भगवान के शांति धारा का अवसर प्राप्त हुआ है और यहीं पर आज हम पूरा परिवार मिलकर विधान भी करेंगे और मैं यहाँ बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। जय जिनेन्द्र। आज मैं पहली बार पाटन में मुनिसुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग विधान करेंगे, आनंद से नाचेंगे कूदेंगे, भगवान की आराधना करेंगे और हम सभी लोग यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। धन्यवाद। मैं अमित राणा, अंशु जैन और मेरी बेटी, हम लोग यहाँ पे पाटन आते रहते हैं भगवान के यहाँ पे दर्शन के लिए। हम लोग हर बार आते रहते हैं और आज हमें शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी श्रीमती अंशु जैन, सभी को जय जिनेन्द्र। यहाँ पर मुनिसुब्रतनाथ भगवान का अतिशय मंदिर, ये बहुत ही हमें बहुत ही भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम काफ़ी यहाँ पर आते रहते हैं दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ। आप सबसे निवेदन है, आप लोग भी यहाँ आइए और दर्शन का लाभ उठाइए, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। जय जिनेन्द्र। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ और भगवान के दर्शन का और अभिषेक का मुझे बहुत ही लाभ मिला और मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और मैं मेरी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। आप सब भी यहाँ पर आइए। जय जिनेन्द्र।